इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं फूबर सीरीज के 6th एपिसोड को, एपिसोड 5 रिकैप। तो पिछले एपिसोड में डैन जो भाग गया था वो वापिस आ जाता है, फिर उसे जेल में भेजकर बैरी को वहाँ से निकाल लिया जाता है। इसके बाद एमा और ल्यूक को MNR मिल जाता है, तो एल्डोन MNR और नकली डैन के साथ बोरो से मिलने के लिए पहुँच जाता है। फिर बोरो को बंदी बना के हेडक्वार्टर लाया जाता है और वो उन लोगों की लोकेशन बताता है जो लोग उसके सूटकेस खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन गलत होती है और बोरो को जहाँ रखा था वहाँ उसके लोग आके उसको वहाँ से छुड़ा के अपने साथ ले जाते हैं। और वहीं काइल के बोन मेरो के साथ रोमी भी ठीक होने लग जाती है। अब आगे एपिसोड 6। तो एपिसोड की शुरुआत में कार्टर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता हुआ नजर आता है, क्योंकि ल्यूक ने कार्टर को बता दिया था कि शायद एमा एल्डोन से प्यार करती है। तो कार्टर बोलता है कि मुझे एमा से प्यार है, उसे पाने के लिए मैं एल्डोन से लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए चाहे वो मेरी हड्डियों का कचूमरी क्यों ना बना दे। इसके बाद ल्यूक बोलता है कि मैंने एमा और एल्डोन को किस करते हुए देखा था। फिर कार्टर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ ल्यूक का बेटा ओस्कर आ जाता है और वो बोलता है कि मेरा ऐप लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है माई एसलिस, आप भी एक बार चेक करिए। तभी ओस्कर ल्यूक के फोन को उठा लेता है और उसमें ऐप को डाउनलोड कर देता है और बोलता है कि मैंने ऐप में बार कोड रीडर जैसे नए फीचर डाले हैं। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एमा एल्डोन से बोलती है कि वो किस बस से गलती थी, तो एल्डोन बोलता है कि अच्छा है पहले ये तुमने ही बोल दिया। इस पर एमा बोलती है कि थैंक्स, ओके तो अब हम दोस्त हैं। इसके बाद एमा और एल्डोन फिर से किस करने लग जाते हैं, तो एल्डोन बोलता है कि होटल में चलें, तो एमा बोलती है कि अगर होटल में गए तो सेक्स हो जाएगा। इस पर एल्डोन बोलता है कि यही तो प्लान है, तो एमा बोलती है कि रहने दो ये नहीं हो पाएगा, मैं कार्टर को धोखा नहीं दे सकती। फिर इसके बाद एमा वहाँ से चली जाती है और मीटिंग में पहुँच जाती है। तो इसके बाद एल्डोन भी वहाँ पे आ जाता है, वो एमा को इशारा करता है कि बटन बंद कर लो, तो एमा बटन को बंद कर लेती है और ये सब ल्यूक देख लेता है। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाती है, तो ल्यूक बोलता है क्या बोरो को रेडिएशन सिग्नेचर स्कैन करके नहीं ढूंढ सकते जैसा हमने ग्रीस में किया था, तो डायरेक्टर बोलती है कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिला नहीं। इसके बाद टीना बोलती है कि NSA के मेरे दोस्तों ने बोरो की कुछ बातें सुनी थी, वो अगले 10 दिन के अंदर सूटकेस न्यूक बॉम्ब बनाकर उसकी नीलामी करेगा मॉस्को के बाहर किसी अमीर के बंगले में। 2 दिन बाद एक कार्ड गेम होने वाला है, ये गेम 2 सालों से चल रहा है, दुनिया भर के अमीर लोग वहाँ आने के लिए बहुत पैसे देते हैं। हमें ये पता चला है कि बोरो का आदमी कैन वहाँ पर खेलने आएगा। इसके बाद डायरेक्टर बोलती है कि इस गेम में चीटिंग रोकने के लिए सेल फोन एक बॉक्स में बंद कर दिए जाएंगे, गेम में हमारे कुछ लोग जाएंगे जिनके पास फोन जैसे डाटा रिपर होंगे, वो साथ रखे फोन का डाटा खींच कर हमें दे देंगे और फिर हम एक्सेस कर पाएंगे कैन का GPS डाटा और उसके साथ साथ हमें बोरो का भी पता चल जाएगा। इस पर एल्डोन बोलता है कि कैन हम सब की शक्ल देख चुका है, तो डायरेक्टर बोलती है कि हम सब की नहीं, तो वहाँ गेम खेलने के लिए हम बैरी और टीना को भेजेंगे। इसके बाद ल्यूक को टेली का मैसेज आता है और वो उसके पास चला जाता है, तो टेली ल्यूक से कहती है कि उन ट्विनिंग फॉर्मूला वालों ने वीडियो भेजी है, इस वीडियो में 3 आदमी हैं, उसमें से मैं एक को जानती हूँ जिसका नाम है एल्डोन, वो एमा के साथ ऑफिस में काम करता है, उसने काइल को किडनैप किया है। तो ल्यूक जवाब देता है कि हमें रोमी को बचाना था, उसमें एल्डोन ने मेरी मदद की, हमने काइल को सिर्फ डराया ताकि वो सही फैसला ले। इसके बाद टेली बोलती है कि क्या तुम सेल्स के अंदर हेरा फेरी करके अवार्ड्स जीतते हो, और अगर मैंने ट्विनिंग फॉर्मूला वालों को अकाउंट्स नहीं दिखाए तो वो हल्ला मचा देंगे, लेकिन मैंने अकाउंट्स देखे वो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, मुझे वो जानना है। तो ल्यूक जवाब देता है कि बेरी को जुए की बुरी लत है, उसने गुंडे बदमाश लोगों से कर्ज ले रखा है, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ, हम मार्केटिंग का पैसा यूज करके कर्ज की भरपाई करने में लगे हुए हैं, हमने सेल्स में हेरा फेरी की क्योंकि हम सेल्स अवार्ड जीतना चाहते थे, लेकिन इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन उन ट्विनिंग फॉर्मूला वालों को मत बताना। तभी टेली ल्यूक को किस करने लग जाती है। इसके बाद वहाँ मीटिंग में एक औरत बैरी और टीना से बोलती है कि ये एक ऑटोमेटिक शफलर है, बड़े बड़े पोकर गेम में ये चीटिंग होने से रोकता है, लेकिन हम इसी से चीटिंग करेंगे, इसमें एक कैमरा लगा है जिसके जरिए हमें पत्तों का पता चल जाएगा। इसके बाद वो बैरी और टीना को एक एक चश्मा दे देती है और बोलती है कि इसके जरिए तुम हमारी बात सुन सकोगे और हम तुम्हारी हर हरकत देख और सुन पाएंगे,
इसके बाद डायरेक्टर बेरी और टीना को उनकी नकली आईडी देती है और बोलती है कि बेरी तुम एक नाइजेरियन हो, तुम्हें स्पीच पे काम करना होगा और टीना तुम्हें फ्रेंच एक्सेंट में बात करनी होगी। इसके बाद ल्यूक और टेली एक साथ बिस्तर पे लेटे हुए नजर आते हैं तो टेली बोलती है कि डोनी के साथ मैं खुश हूँ, शायद ये गलती हो सकती है जो अभी हमने किया, जैसे ही तुम बिजनेस ट्रिप से वापिस आओगे तो हम साथ में समय बिताएंगे। इसके बाद डायरेक्टर ने कहा पैसों की मदद से हमने रिजर्व प्लेयर की लिस्ट में बैरी और टीना को टॉप पे पहुंचा दिया। फिर एमा बोलती है कि गेम में 5 प्लेयर होंगे, अगर हम 2 प्लेयर को हटा दें तो उनकी जगह हमारे प्लेयर आ जाएंगे। हमने एक ओल्ड कपल को चुना है, उनके घर में 5 गार्ड हैं, 2 पीछे और 2 सामने गेट पर और 1 घर के अंदर। तो टीना और बैरी को छोड़ के बाकी टीम वाले उन ओल्ड कपल के घर के पास पहुंच जाते हैं। 2 गार्ड को एल्डोन और रू बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। इसके बाद सामने वाले गेट पर एमा बैलून्स के साथ आती है तो गेट पे मौजूद गार्ड सीसीटीवी देख रहे गार्ड से बोलता है कि किसी पोकर फ्रेंड ने बैलून भेजे हैं। तभी एमा बोलती है कि वैन में एक बड़ा डब्बा भी है। इसी के साथ एमा पेन को प्रेस करती है और उसमें से गैस निकलती है जिससे गार्ड बेहोश हो जाता है और जो गार्ड वैन की तरफ गया था उसे ल्यूक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और इस तरह वैन लेकर वो घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ल्यूक गेट पे बिजली का कनेक्शन लगा देता है और बेल बजाता है जिससे घर के अंदर का गार्ड जैसे ही गेट को खोलता है उसे शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है तो ल्यूक उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद ल्यूक जैसे ही उन ओल्ड कपल पे निशाना लगाता है तो वो ओल्ड मैन बोलता है कि हमें इंजेक्शन मत दो, हमारी जान जा सकती है, हम दोनों बीमार हैं। इसके बाद बैरी और टीना उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कार्ड गेम शुरू होने वाला था। वहां आते ही उनके फोन को एक बॉक्स में रखा जाता है। वहीं ल्यूक और एल्डोन घर में छानबीन कर रहे थे तभी एल्डोन येलो एग को उठाता है तो बंकर का दरवाजा खुल जाता है। फिर ल्यूक और एल्डोन उसके अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो ओल्ड कपल भाग कर बंकर में आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे एमा और रू भी वहां आ जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन फ्लेयर गन उठा के इलेक्ट्रिक बोर्ड पे फायर करता है जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। ल्यूक गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। इसके बाद एमा को वहां कंप्यूटर नजर आता है और वो बोलती है कि देखो शायद बंकर सिस्टम यहां से कंट्रोल होता है। तो एल्डोन उसे चलाता है और बोलता है कि सिस्टम खराब हो गया है, अब दरवाजा भी नहीं खुलने वाला, CO2 फिल्टर अब काम नहीं कर रहा, यहाँ पर अब कहीं से भी हवा नहीं आ सकती। वहाँ पत्तों का गेम शुरू हो जाता है और उसी के साथ फोन रिपर के जरिए साथ रखे फोन का डाटा भी डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तब डायरेक्टर ने कहा कि चीटिंग करके केन को जिताओ ताकि वो गेम में रहे और तब तक डाटा डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद ल्यूक ने एमा से कहा चेक करो कि यह कंप्यूटर पिछली बार कब ऑन हुआ था। तो एमा जवाब देती है कि 8 अक्टूबर 1989 को। तब ल्यूक ने कहा कि ये कंप्यूटर पूरे बंकर को कंट्रोल करता है जिसमें ये दरवाजा भी शामिल है और अगर जब घड़ी आगे बढ़कर 2000 तक पहुंचती है जिसमें 00 है तो कंप्यूटर उसे 1900 समझकर रीसेट कर देता है और रीसेट होते ही उस दरवाजे को खोल देता है। तो रू बोलती है कि अगर मैं CPU की स्पीड तेज करूंगी तो ये तारीख तेजी से बदलेगा। इसके बाद ल्यूक ओस्कर के ऐप के जरिए PCR का इस्तेमाल करता है जिससे कि उसे कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में पता चल जाता है। तो रू कंप्यूटर की स्पीड तेज करने का काम शुरू कर देती है। वहां पत्तों के गेम में केन जीतने लग जाता है और तभी वहां बोरो भी आ जाता है तो डायरेक्टर बोलती है कि जान से मार दो उसे। तब बोरो ने केन से कहा SVR का फोन आया था जिनके साथ मैं पहले भी बिजनेस कर चुका हूँ। जब केन बार बार गेम जीतने लग जाता है तो वहाँ मौजूद एक आदमी ने बोला कि ये चीटिंग करके जीत रहा है, इसे खेलना आता ही नहीं। फिर गेम का होस्ट बोलता है कि शुरू से आज तक यहाँ सिर्फ एक धोखेबाज था, हमारे पूर्वजों ने उसे जहर देकर नदी में फेंक दिया। इसके बाद टीना ने कहा अब हमें एक ड्रिंक ब्रेक लेना चाहिए। तो टीना ड्रिंक में कुछ मिलाती है ताकि वो बोरो को पिला के उसे मार सके, लेकिन तभी वहाँ वो लेक आ जाता है और बोरो बिना ड्रिंक पिए उससे मिलने के लिए चला जाता है। इसके बाद एमा ने ल्यूक से कहा आपने कार्टर को ये क्यों बताया कि मैंने और एल्डोन ने किस किया। तो ल्यूक बोलता है कि इसमें उसकी और तुम्हारी भलाई थी। तो एमा बोलती है कि वो किस बस एक गलती थी, मैं बहक गई थी, इसने रोमी को बचाया तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, वो किस मेरे लिए बकवास थी। तो एल्डोन बोलता है कि वो किस तुम्हारे लिए बकवास होगी पर मेरे लिए बकवास नहीं थी। वहाँ बोरो ने वोलेक से कहा फिन होस और डेनियल डिरोसा को ले आओ, माल और कोई नहीं खरीदेगा। इसके बाद बोरो के लिए जो ड्रिंक टीना ने बनाया था
वो कोई और आदमी पी लेता है। इसके बाद वो गेम को जीत जाता है, लेकिन तभी उसे उल्टी आ जाती है। फिर गेम को खत्म कर दिया जाता है और बेरी उस आदमी के बाजू में कार्ड छिपा देता है और फिर वो पत्ते नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद गेम के होस्ट ने उसे कहा, चीटिंग करने की सजा तुम्हें मिलेगी। और इसी के साथ केन के फोन का डाटा भी डाउनलोड हो जाता है। वहाँ ल्यूक ने एमा से कहा कि जब मिशन की बातें चल रही थी, मैं बीच में छोड़कर चला गया था। मैं टेली के पास गया था और हम दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया। तो एमा बोलती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इतना सब कुछ सहने के बाद मैंने खुद डोनी से जाके कहा था कि मेरी मोम टेली को डेट करे। और इसके बाद बंकर का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद सभी लोग वापिस आ जाते हैं। तो बेरी टीना को अपने घर में ले जाता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, और फिर वो अपने सारे खिलौने उसे दिखा देता है। और इसके बाद टीना बेरी को किस करने लग जाती है। इसके बाद ल्यूक ऑस्कर को एक चेक देता है और बोलता है कि तुम्हारे ऐप के लिए, मैंने उसे यूज किया, मेरा काफी फायदा हुआ, तो सोचा मैं भी इन्वेस्ट कर दूं। और इसी के साथ ही सीरीज का 6th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।